नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने जब से वीडियो बनाकर डालना शुरू किया है तो मोस्ट ऑफ द लोगों का ये क्वेश्चन रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए। तो सवाल ये है कि क्या आयरन, जो कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन होता है, उससे हम स्क्रबर की पैकिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं? क्या इससे स्क्रबर की पैकिंग करके मार्केटिंग की जा सकती है? इसका बिजनेस किया जा सकता है? यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार हमारे कॉल पे, व्हाट्सएप पे लोगों ने पूछा है। तो आइए, सवाल का आंसर जानने से पहले एक बार, आप लोग प्लीज हमारे चैनल पे नए हैं तो ये जो नीचे रेड बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं हर रोज स्क्रबर बिजनेस रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं या करने वाले, उनका नॉलेज गेन होगा, बढ़ेगा। तो प्लीज आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है अभी तक, उन सबको मेरा नमस्कार एक बार फिर से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार बहुत कम समय में दिया है। तो इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो चलिए फिर मैं बात करता हूँ ये आयरन से पैक किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी नए लोग स्टार्ट करने का इस बिजनेस को सोच रहे हैं, तो बहुत सारे लोग के मन में सवाल आता है कि क्यों ना मैं आयरन से पैक करके बिजनेस करूँ। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए, ये जो आयरन होता है, इस आयरन का एक टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, ठीक है। और हम लोगों को ब्लिस्टर को चिपकाने के लिए उस सीट पे कम से कम 150 डिग्री टेम्परेचर का जरूरत होता है। जो मशीन होता है उसमें 250-300 तक टेम्परेचर मेंटेन करने का उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये आयरन में सिर्फ 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। दूसरा, आपको इससे पैक करने में परेशानी ये आएगा कि जब हम मशीन को हैंडल दबाते हैं तो उसमें काफ़ी प्रेस पड़ता है, मतलब उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, दबाव बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन आयरन से आप कितना भी दबाओगे तो उस लेवल तक का प्रेस आप नहीं दे पाओगे जो उसको सही तरीके से चिपकने के लिए चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि, या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को पता है कि जब हम लोग मशीन से उसको चिपकाते हैं तब भी बहुत बार प्रॉपर तरीके से वो नहीं चिपक पाता है। तो आयरन से चिपकाना तो समझ लीजिए कि बहुत ही मुश्किल है। अगर हम चिपका भी लेंगे तो उसका लाइफ 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। आप चिपका के बेच देंगे, बेचने के बाद दुकान में वो जब टंगेगा, दुकानदार उसको टांग के रखेगा, तो 2-4 दिन में वो गिर जाएगा। तो उसके बाद आपका फीडबैक खराब हो जाएगा, आपका फिर दोबारा वो माल दुकानदार नहीं लेगा, जीवन में कभी नहीं लेगा, क्योंकि आपका फेस वैल्यू भी खराब हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर आप वाकई में ये बिजनेस करना चाहते हैं तो या तो आप अपना मशीन लगा लीजिए, कम दाम का ही मशीन लगा लीजिए, मैनुअल मशीन लगा लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा है कि बिना 1 रुपए खर्च किए हुए आप सीधा किसी मैन्युफैक्चरर जो पहले से बना रहे हैं उनसे आप खरीद लीजिए 200 पत्ता 500 पत्ता, और उसके बाद उसका मार्केटिंग कर लीजिए। जितना बनाने में खर्च होता है वो बचेगा आपका, तो मान लीजिए मार्केटिंग में भी आप 5-10 रुपए करके आराम से रिसेलिंग करके भी कमा सकते हैं। आयरन से पैक करने से अच्छा होगा कि आप लोग रिसेलिंग कर लें। लेकिन अगर आप लोग मशीन लगाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ, जितना कम से कम वाला मशीन वाला मैं सेलर ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे एक पता चला है, मैं जल्दी उस मशीन को अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। बात चल रही है जो मशीन आपको 10-12 हजार रुपये में आराम से मिल जाएगी, और काम वो भी उतना ही करेगी जो 70-80 हजार वाले मशीन करते हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वो मशीन का वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देखें कि 10-12 हजार रुपये में भी मशीन अपने यहाँ तैयार होकर के आपको मिल सकती है। तो आप आयरन से पैक करने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब वो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोगों को बरगलाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आयरन से पैक करके ये संभव नहीं है। तो ये था एक बड़ा सवाल कि आयरन से पैक हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आपका फेस वैल्यू खराब हो जाएगा। आप कुछ दिन इंतजार कर ले, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करिए, लेकिन अच्छे से करिए। तो आज का सवाल का जवाब हो गया। अगर आप लोगों का कोई और सवाल है जिसका चाहते हैं कि हम जवाब दें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमारा नंबर आ रहा है इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम वहाँ से भी सवाल लेकर के आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर इम्पोर्टेंट लगा तो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी वीडियो बनाने में मनोबल बढ़ता है। बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप लोग के लिए हर रोज एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों का भी जो है बिजनेस ग्रो कर जाए, है ना। तो इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में या फिर फोन पे कहीं भी कुछ भी सवाल एनी टाइम पूछ सकते हैं। मैं सारे कॉल का जवाब देता हूँ, व्हाट्सएप पर भी जवाब देता हूँ और कमेंट बॉक्स में भी जवाब देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो भी प्यार दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए फिर तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong?